हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू डुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने से पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने से पहले आप मेरे लास्ट के दो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें से एक वीडियो मैंने बनाया था फेस के ऊपर कि हम कैसे किसी सिस्टम का फेस कैसे निकालते हैं जिसको हम पी से डिनोट करते थे और कॉम्पोनेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा कि हाउ टू फाइंड आउट कॉम्पोनेंट कि, कि सिस्टम में किसी फेज़ में कितने कॉम्पोनेंट होते हैं वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो यदि आपको पी और सी फेज और कंपोनेंट निकालना आ जाएगा तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ही इजीली निकालना सीख जाएंगे फर्स्ट हम जानेंगे इसके डेफिनेशन की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम नाउ डेफिनेशन इज इट इज डिफाइंड एज अ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं लाइक टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कॉम्पोजिशन कॉन्सेंट्रेशन इटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा तो क्या बोला जा रहा है इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स Such as temperature, pressure, volume, composition of the phases, which must be specified. इन ऑर्डर टू डिफाइन द सिस्टम कंप्लीटली किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम वेरिएबल्स पता होना जरूरी है यदि हमें मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल्स पता होंगे तो हम उस सिस्टम को डिफाइन कर पाएंगे कंप्लीटली ओके okay? और वो वेरिएबल्स क्या है जो आपके सामने हैं टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कॉम्पोजिशन कॉन्सेंट्रेशन एटसेट्रा एटसेक्ट्रा दूसरी बात हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफ द सिस्टम क्या बोलते हैं ऑफ द सिस्टम बोला जाता है इसको और डिनोट करते हैं हम इसे एफ से कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं जैसे फेज को पी से कॉम्पोनेट को सी से किया था वैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से डिनोट करते हैं ओके okay. अब हम ये जानेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में यदि हमें निकालना है कि हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डैट सिस्टम वो सिस्टम में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो पता करना है तो थोड़ा सा हम पहले ये जानेंगे कि यदि एफ फिजिकल टू जीरो आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे एफ फिजिकल टू वन आता है तो क्या बोला जाएगा एफ इजिकल टू टू आता है तो क्या बोला जाएगा? यदि आप सिस्टम की बात करते हैं और यदि किसी सिस्टम में सपोज कीजिए कि एफ फिजिकल टू जीरो है एफ इजक्वल टू यदि ज़ीरो है किसी सिस्टम में तो उसको हम क्या बोलेंगे इन वैरियंट बोलेंगे नॉन वैरियंट बोलेंगे या हम ऐसा बोलेंगे जिसमें कि डिग्री ऑफ़ फ्रीडम क्या है नहीं है मतलब एफ इजिक्वल टू ज़ीरो होगा अब यदि सिस्टम में यदि सपोज किया कि एफ इजिक्वल टू वन आ रहा है एफ इजिक्वल टू वन है तो हम उसको यूनी वेरियंट बोलते हैं या मोनो वेरियंट बोलते हैं या हम बोलते हैं कि ऐसा डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसमें वन की वैल्यू आ रही है अब असिस्टम ऐसा भी कोई होगा जिसमें एफ इजिक्वल टू यदि टू आता है तो आप उसको बोल सकते हैं बाय वेरियंट या हैविंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बोलेंगे इस तरीके से इक्वल टू थ्री भी होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम एफ से डिनोट करते हैं और एफ़ की वैल्यू जीरो वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है वो सिस्टम पर डिपेंड करता है कि हम उस सिस्टम में कितने मिनिमम इन वेरिएबल्स को निकाल रहे हैं और जितने भी वेरिएबल्स uh, जो हैं सिस्टम में इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स निकाले जा रहे हैं उन वेरिएबल्स से आप उसके स्टेट को बता पाते हैं कि कितना उसमें डिग्री ऑफ़ फ्रीडम है अब मैं एग्जाम्पल की जैसे बात करूंगी कि हम सिंपल सा कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं सपोज हम एक प्योर गैस बात करते हैं अब प्योर गैस यदि आपने लिया है किसी कंटेनर में सपोज किया किसी कंटेनर में आपने प्योर गैस लिया जो पिस्टन है यहाँ पे ये गैस है मान लिया कि टू मोल ऑफ गैस है अब इसके स्टेट को बताने के लिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी और स्टेट को बताने के लिए वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी इसमें वेरिएबल्स क्या होंगे टेम्परेचर होगा प्रेशर होगा और वॉल्यूम होगा यदि हमें चेंज करना होगा तो हम इन तीनों में से तीनों को लेने की कोशिश करेंगे लेकिन यदि हमें कोई भी दो पता है तो हम ऑटोमेटिकली तीसरा फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन के थ्रू जैसे कि आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एनआरटी अब पी वीजिकल टू एनआरटी में यदि प्रेशर पता है वॉल्यूम पता है तो आप टेम्परेचर निकाल लेंगे यदि प्रेशर और टेम्परेचर पता है तो आप वॉल्यूम निकाल लेंगे यदि वॉल्यूम और टेम्परेचर पता है तो आप प्रेशर निकाल लेंगे मतलब कि एक प्योर गैस में हमें मिनिमम टू वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है टू वेरिएबल्स की नीड होती है तो हम तीसरा अपने आप से इसमें निकाल लेते हैं वॉल्यूम हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे यदि हमें टेम्परेचर और प्रेशर पता है तो एफ इज इक्वल टू इसमें यदि हम बात करते हैं प्योर गैस में तो कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें दो है ऐसे ही हम मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस यदि एग्जांपल लेते हैं अब मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करें तो कॉम्पोजिशन भी आ गया पार्ट इसमें तो हम इसमें देखेंगे टेम्परेचर भी टेम्परेचर भी लिया जाएगा मिनिमम वेरिएबल्स में जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं प्रेशर भी लिया जाएगा और कॉम्पोजिशन भी देखा जाएगा क्या चीज देखा जाएगा कॉम्पोजिशन भी देखा जाएगा और हम कोई भी दो यदि पता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली हम इसमें निकाल भी लेते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हमारा स्पेशली है इसमें तीन वेरिएबल्स हमें चाहिए चाहिए तो हम चौथा ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे तो यहाँ पे एफ इक्वल टू कितना रहता है थ्री रहता है मिक्सचर ऑफ गैसेस में हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा थ्री आएगा अब मैं ऐसे ही बात करती हूँ वाटर जब ट्रिपल पॉइंट पे होता है ट्रिपल पॉइंट जिसको आप सभी लोग जानते हैं मतलब कि सॉलिड लिक्विड लिक्विड और गैशियस फॉर्म तीनों ही इक्विब्रियम स्टेट जो रहती है इक्विब्रियम होते हैं जब ये स्टेट रहती है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिपल पॉइंट जब होता है तो यहाँ पे हमें ये ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर है कि यहां पे प्रेशर वॉल्यूम सब स्पेसिफाइड है और वो स्पेसिफाइड है तो हमें इसमें बताने की जरूरत नहीं है तभी ये ट्रिपल पॉइंट पे है और इक्लिब्रियम है तो यहां पे यदि हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे कितना रहेगा जीरो रहेगा लेकिन यदि हम आ, किसी इसमें दो सिस्टम की बात करते हैं माना कि वॉटर लिया और वॉटर लिक्विड फॉर्म में है और वो उसको वॉटर वेपर फॉर्म में गया वाटर वेपर फॉर्म में है आपका ये वाला स्टेट यदि हम देखते हैं तो इस जगह पे स्टेट पे यदि हम बात करते हैं तो यहां पर भी देखा जाए तो प्रेशर और टेम्परेचर हमें टेम्परेचर एक वेरिएंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है कैसे भी करके हमें वो वेरिएबल चाहिए होता है तो यहाँ पे F इज इक्वल टू वन होना ज़रूरी है वन रहेगा क्योंकि हमें टेम्परेचर वेरिएबल की जरूरत पड़ती है और टेम्परेचर यदि पच जाएगा तो हम और चीजों को पता कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करते हैं इसके अलावा डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम फॉर्मूले गिफ्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है गिफ्ट रूल में एक फॉर्मूला यूज किया था मैंने भी आपको फर्स्ट टाइम पे जब बताया था फेस रूल में तो उसमें फेज से पहले एक फॉर्मूला बताया था फर्स्ट पुलिस सेकेंड क्रिमिनल उसी से फॉर्मूला बना था डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको गिफ्ट फॉर्मूला भी बोलते हैं एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू इस फॉर्मूले से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं अब सपोज कीजिए कि कोई कंपोनेंट है माना कि वॉटर अब वॉटर जबकि सिंगल कंपोनेंट होता है H2O तो वॉटर हमेशा कंपोनेंट इसमें वन होगा हम इसमें फेज की बात करेंगे तो यदि हम सिंगल फेज ले रहे हैं सिंगल स्टेट में है तो P इज इक्वल टू वन रहेगा सिंगल स्टेट का मतलब या तो सॉलिड स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा या गैशियस में तीनों में नहीं है किसी एक में है तो वो रहेगा सिंगल स्टेट हम फॉर्मूले में पुट करेंगे F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू तो अब F इज इक्वल टू वन माइनस वन प्लस टू आप यहां पे देख रहे हैं तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे हम वैल्यू देखते हैं तो यहां पे वैल्यू आ रही है टू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा टू अब सपोज किया कि कंपोनेंट तो सेम है हमने वाटर ही लिया सब इसमें कंपोनेंट सेम है लेकिन फेज इसमें टू है मैंने यहां पे टू ले लिया फेज माना कि सॉलिड लिक्विड फॉर्म ये दो वाले फॉर्म आपके दिखाई पड़ रहे हैं तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वॉटर सॉलिड फॉर्म में मतलब आइस फॉर्म हो गया आपका क्विड फॉर्म देन वॉटर आपका लिक्विड फॉर्म में है और वो दिखाई पड़ा स्टेट में गैशियस फॉर्म में तो ये इक्लिब्रियम है तो यहां पे देखिए पी इज इक्वल टू टू है और कॉम्पोनेंट तो सिंगल ही दिख रहा है आपका तो हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या एफ इज इक्वल टू सी इज वन देन माइनस माइनस टू प्लस टू तो आपने क्या देखा एफ इक्वल टू यहां आ रहा है वन इसी तरीके से हम और बात कर लेते हैं माना कॉम्पोनेंट एक ही चल रहा है लेकिन हो गया तीन. तीन मतलब कि वही वाला जो स्टेट थी इक्लिब्रियम वाला पोर्ट था ट्रिपल पॉइंट का कि सॉलिड वाटर इन सॉलिड फॉर्म देन वाटर इन लिक्विड फॉर्म देन वाटर इन वेपर फॉर्म तीन फॉर्म वाटर के जो थे जो इक्लिब्रियम स्टेट यदि रहती है तो आपको पता है कि ये सॉलिड है ये लिक्विड फॉर्म है ये गैशियज फॉर्म है तो P इज इक्वल टू थ्री है अब P इज इक्वल टू थ्री होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू वन सेम रहेगा P का कोई चेंजेस नहीं है माइनस थ्री प्लस टू तो यहां पे वैल्यू आ रही है F इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ गई यहां पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो आ रही है दैट इज अ जीरो तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के थ्रू आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं लेकिन आपको फेज निकालना आना चाहिए और कंपोनेंट पता होना चाहिए कि वो सिस्टम में कितने कंपोनेंट हैं और कितने उसके फेजेस हैं इसके लिए आप मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा तो आपको बहुत इजीली डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आ जाएगा किसी भी कैलकुलेशन में दे दिया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमरिकल करके भी दिखाऊंगी कि कैसे हम एक क्वेश्चन दिया रहेगा और हमें निकाल हमें फाइंड आउट करना होगा कि हाउ मच फेजेस देयर हाउ मच कंपोनेंट्स देयर और फिर हम कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे यहां पे आप देखिए कि कंपोनेंट सिर्फ एक ही था चेंज नहीं हुआ वाटर था लेकिन फेजेस चेंज हो रहे थे फेज एक भी था दो भी था और तीन भी था और हमने यहां पे एक चीज देखा कि जैसे जैसे देखिए फेज बढ़ रहा था वैसे वैसे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम घट रहा था यहां टू था जब फेज कम था फेज बढ़ा तो फिर कम हो गया फेज और ज्यादा हुआ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा हो गया मतलब कि जब फेज पी इंक्रीज हो रहा था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एफ डिक्रीज हो रहा था ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां से हम एक चीज क्लियर हो रही है कि यहां पे जब फेज बढ़ रहा है तो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम देखिए कम होता जा रहा है और इस तरीके से आप आपका जो क्वेश्चन है उसको बहुत तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे निकाल लेंगे तो आई होप सो कि आपको इस फॉर्मूले से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना अच्छे तरीके से आ गया होगा और हमें ये चीज़ भी समझ में आ गया है कि किसी भी सिस्टम में स्पेसिफाइड जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो हमें पता चल जाते हैं तो हम डिग्री ऑफ़ फ्रीडम्स को निकाल सकते हैं आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए साइट में एक बेल आइकॉन है जिसको क्लिक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक यू सो मच